नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप सबका हमारे टेक्निकल धर्मेंद्र कुमार चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम सब जानेंगे एलजी कंपनी के पीसीबी के सर्किट डायग्राम के बारे में, वायरिंग कैसे होती है। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक बार सेट कर देना होता है और उसके बाद सभी कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से कैसे कार्य करते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका प्रेशर स्विच है, ये आपका स्पिन वाश मोटर है, ये आपका वाटर पंप मोटर है, ये आपका ड्रेन मोटर है, ये आपकी मेन लीड है और ये कंप्लीट आपके उस मशीन की पीसीबी है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों से बनाई गई है। इस पीसीबी का कार्य क्या है कि एक बार अगर हम प्रोग्राम को सेट कर देते हैं तो हम मशीन को बार बार टच नहीं करते। क्या करना है कि जैसे पेज और यहाँ पर आ गया न्यूट्रल, न्यूट्रल, ये बात तो समझ में आ गया होगा। हेड सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई इसी पीसीबी से आउट कराया गया है। न्यूट्रल को क्या किया गया है कि न्यूट्रल सप्लाई आपकी जब यहाँ आती है तो ये कहीं नहीं जाती, ये डायरेक्ट इसके दूसरे पिन से आपकी न्यूट्रल आउट हो जाती है यहाँ से, और यही न्यूट्रल सप्लाई आपकी यहाँ से निकल करके ये देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इसके अंदर पीसीबी में क्या लगा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है। इस ट्रांसफार्मर की विशेषता क्या है कि ये 220 वोल्ट की सप्लाई को लेता है, लेकिन 220 वोल्ट की सप्लाई 12 वोल्ट को ये 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे यहाँ पर एक आईसी लगी होती है जिसका नंबर होता है LM7705। ये हो गया आईसी LM7705 नंबर की आईसी लगी होती है, अर्थात ये 5 वोल्ट सप्लाई को रेगुलेट करेगा। जैसे जैसे हम 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये कितना बनाएगा, 5 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की सप्लाई अगर हम इसे दे रहे हैं तो ये 5 कितना बनाएगा, 5 वोल्ट सप्लाई बनाएगा। और उस 5 वोल्ट की सप्लाई को जो इसके पीसीबी के साथ छोटे कंपोनेंट्स लगे हैं, जैसे आपकी माइक्रो प्रोसेसर आईसी लगी है, डिस्प्ले की एलईडी लगी है, स्वयं डिस्प्ले लगा हुआ है इंडिकेट कराने के लिए, हमें इन्फॉर्म करने के लिए, तो उसको कार्य कराने के लिए यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। और 12 वोल्ट की सप्लाई जैसे ये आपके ट्रांजिस्टर हो गए, उसके बाद आपका इसके अंदर का रिले हो गया, आपका बर्जर हो गया, तो इन कंपोनेंटों को 12 वोल्ट सप्लाई से रेगुलेट कराया गया जो इस पीसीबी के अंदर हो रहा है। अब हम आपको बता दें कि कभी किसी भी पीसीबी निकल जा रही है तो कंपनी यहाँ इस प्रकार से सुविधा देती है कि जो कनेक्टर हम जहाँ से निकालते हैं वो कनेक्टर प्रायः उसी में लगता है। दूसरी बात यह होती है कि अगर आपने यहाँ पर फेज दिया है तो ये फेज इसके अंदर से बन करके आउट हो रहा है। न्यूट्रल आपने यहाँ दिया, न्यूट्रल जब आप यहाँ देते हैं तो केवल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कार्य करता है और वही न्यूट्रल देखिए डायरेक्ट कहीं नहीं गया है, डायरेक्ट आउट हो रहा है। और डायरेक्ट आउट होने के बाद किसी भी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं, 1 2 3 4, ये आपका प्रेशर स्विच है। तो प्रेशर स्विच में न्यूट्रल नहीं जाता है, वो डीसी सप्लाई पे कार्य करता है। तो न्यूट्रल सप्लाई आपका आ गया कहाँ पे, ड्रेन मोटर में। किसी किसी में 3 पिन और किसी में 2 पिन, अगर 1 पिन एक्स्ट्रा है तो वो सेंसर के लिए होता है, बाकी 2 पे अगर हम सप्लाई दे देंगे तो ये भी ये मोटर चलेगा, सेंसर नहीं जोड़ेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ड्रेन मोटर को न्यूट्रल मिला, वाटर पंप को वही न्यूट्रल दिया गया और वही न्यूट्रल कहाँ आया, स्पिन वाश मोटर में आ गया, न्यूट्रल का काम पूरा हो गया। समझ गए, अब हमें क्या समझना है, फेज यहाँ से क्या निकला, फेज सप्लाई, और फेज सप्लाई यहाँ से निकलने के बाद आपकी पीसीबी में आती है। तो जब पीसीबी में आता है तो यही फेस हमारे वाटर पंप, वाश मोटर और ड्रेन मोटर में कैसे आता है, यहां देखिए, जब हम प्रोग्राम को सेट करके छोड़ देते हैं तो
तो उस समय जब हमारा मोटर पानी वाला चालू होता है तो वो सप्लाई यहाँ से निकल करके न्यूट्रल, इसको पहले से मिला है, यहाँ से फिर सप्लाई आपको आपके न्यूट्रल को दिया गया है। पानी वाले मोटर को न्यूट्रल आपने डायरेक्ट दिया है, इसको फेज सप्लाई पीसीबी के द्वारा दिया गया है। वास मोटर को आप जानते हैं कि वास मोटर के रनिंग पर और स्टार्टिंग कॉइल पर, वास मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल पर, जैसे मान लेता हूं कि ये आपका हो गया कॉमन, तो एक हो गया रन और एक हो गया स्टार्ट, आई बात समझ में। तो कॉमन को तो न्यूट्रल डायरेक्ट मिल गया, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल से क्या मिला इसको, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल से पहला तो काम तो ये कैपेसिटर लग जाएगा, कैपेसिटर बहुत जरूरी है, समझ गए ना। ये कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल से ही लगेगा कहीं भी, तो ये दोनों तार आपका आ गया रनिंग और स्टार्टिंग पर, कॉमन पर न्यूट्रल, समझ गए। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से बना के भी समझ लेते हैं, ये न्यूट्रल आपका मोटर में आया, वही न्यूट्रल निकलकर पानी वाले मोटर में गया, वही न्यूट्रल आपका वास मोटर में गया। अब फेज सप्लाई जो आपने यहाँ से दिया था, ये फेज सप्लाई आपका पीसीबी में आता है और पीसीबी में आकर यहाँ से और यहाँ से आउट होता है, लेकिन वो एक साथ नहीं आउट होगा। पीसीबी में हमने जो प्रोग्राम सेट किया है वो पीसीबी उसकी गणना करेगी, उसके अनुसार आएगा ना सर। पीसीबी के निर्देश के अनुसार इन कनेक्टरों से सप्लाई आउट होगा, जितने समय के लिए मैंने जो सेट किया है वो कट जाने के बाद तो दूसरा चालू होगा, उसके कट जाने के बाद तीसरा चालू होगा। तो ये क्रिया जो है आपकी पीसीबी में जो टाइमिंग सेट की गई है उसके अनुसार यहाँ वोल्टेज आएगा। तो यहाँ से अगर वोल्टेज नहीं निकल रहा है तो ये मोटर नहीं चलेगा। तो ऐसी दशा में हम इस मोटर को डायरेक्ट चलाकर देखते हैं, अगर ये मोटर मेरा डायरेक्ट चल रहा है तो इसका मतलब पीसी से खराबी है, वहां से वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक उसी प्रकार वाटर पंप मोटर पे न्यूट्रल डायरेक्ट न्यूट्रल डायरेक्ट आता है, फेज सप्लाई पीसीबी से आ रहा है, अगर मशीन पानी नहीं ले रहा है तो इसका मतलब ये मोटर खराब है, डायरेक्ट चलाने पर नहीं चला और ना पीसीबी से चला तो यह ना खराब है। ठीक उसी प्रकार से स्पिन वास मोटर को अगर कंफर्म करना है कि पीसीबी से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको चलाने का कार्य भी डायरेक्ट किया जा सकता है। अगर ये डायरेक्ट चल गया तो खराबी पीसीबी में है, अगर डायरेक्ट भी नहीं चला तो मोटर में खराबी है, समझ गए कि नहीं। जैसे सर जी हाँ ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, ये ट्रांजिस्टर पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ मोटर को एक बार उल्टा एक बार सीधा चलना होता है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार क्लॉक, इसलिए ये दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ लगाए गए हैं। इनकी विशेषता है मोटर को एक बार उल्टा और एक बार सीधा चलाने के लिए, समझ गए ना। ये मोटर नहीं चल रहा तो उसके लिए ये दोनों ट्रांजिस्टर जिम्मेदार है, बाकी ये मोटर नहीं चल रहा तो इसके अंदर की आईसी जिम्मेदार है, ये मोटर नहीं चल रहा तो आईसी जिम्मेदार है, आईसी क्या इसके किसी कंपोनेंट को बदलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कंपनी इसको पूरी तरह से सील्ड करके देती है, रबड़ जैसे पदार्थ को इसके अंदर पिघला करके जाम कर देती है, समझ गए ना। इसलिए इसके पीसीबी को कंफर्म करना है कि पीसीबी में खराबी है या उसके मोटर में खराबी है, समझ गए। तो पीसीबी में खराबी है या उसके मोटर में खराबी है तो क्या इसका पता लगा सकते हैं जी सर, चेक करके लगा सकते हैं सर, चेक करके लगा सकते हैं। जो मोटर डायरेक्ट चल गया पीसीबी से नहीं चल रहा है जबकि प्रोग्राम सेलेक्ट है जी सर जी, तो पीसीबी में खराबी है, तो खराबी आपके पीसीबी में है, आगे बात समझ में। तो ये रहा आपके फुली ऑटोमेटिक का डायग्राम। संसार की कोई भी वॉशिंग मशीन आप पाते हैं उसमें आपको कंपोनेंटों का स्थान कुछ वायर ऐसे बदले मिल जाएंगे, लेकिन सिद्धांत वायरिंग करने का जो तरीका है आपको इतना ही करना है, इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा मशीन में कुछ नहीं होता। ठीक हो जाएगा कोई झंझट नहीं है, सबको समझ में आ गया। एक बार और समझा दूं,